हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमने एक वीडियो बनाया था अभी दो चार दिन पहले की बात है, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि इंडिया से सऊदी जो वाया लोग जा रहे हैं बिना क्वारंटाइन के जा रहे हैं, और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने भी यही कहा कि बिना क्वारंटाइन का लोग सऊदी जा रहे हैं। तो इस पर मैंने ये भी कहा था कि अनऑफिशियल लोग जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, जैसे इंडिया से दुबई जा कर के 2 से 3 दिन रुक रहा है और सऊदी के लिए रवाना हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा, और जो पैसा लग रहा था वो पैसा नहीं लग रहा है, होटल बुकिंग नहीं करना पड़ रहा है। तो अभी क्या हुआ कि जिस बस से जा रहा था वो बस को वापस भेज दिया है सऊदी बॉर्डर से। तो इसी पे हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या क्वारंटाइन होकर जा सकते हैं, बिना क्वारंटाइन होकर सऊदी जा सकते हैं या नहीं, उसकी रियलिटी क्या है। तो चलिए इसी मुद्दे पे दोस्तों हम बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर गल्फ कंट्री में आप रहते हैं, सऊदी या कतर या ओमान, तो ये चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे फ़ायदा आपको होने वाला है। तो बात यह है, असल में जो लोग बिना क्वारंटाइन हुए सऊदी अरब में जा रहे थे, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो 2 से 3 दिन रुककर सऊदी अरब में दाखिल हो रहे थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कल रात से ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल भी अब बिना क्वारंटाइन के सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश न करे आदमी, वरना भारी जुर्माना और जेल भी हो सकता है। इसीलिए सभी भाई सावधान रहे, किसी के बहकावे में ना आए। कल रात बॉर्डर से पूरी की पूरी बस वापस कर दी गई है। उस बस में वो लोग सवार थे जो बिना क्वारंटाइन हुए सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिनको सऊदी अरब के बॉर्डर से पहले ही वापस भेज दिया गया है। इसलिए कोई भी भाई डायरेक्ट जाने की कोशिश न करे, और सभी ट्रैवल एजेंट को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी भाई अब किसी भी कस्टमर को बिना क्वारंटाइन के सऊदी अरब में दाखिल कराने की कोशिश बिल्कुल न करे। वरना अगर बिना क्वारंटाइन सऊदी अरब में दाखिल कराने की कोशिश करेगा तो कस्टमर को सजा और भारी जुर्माने के सामना करना पड़ सकता है। रात ही पूरी की पूरी बस बॉर्डर से वापस कर दी गई है। उस बस में वही लोग सवार थे जो 14 दिन बिना क्वारंटाइन किए हुए सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि उन लोगों को भी एंट्री की इजाज़त नहीं मिली जिनको 1-2 घंटा 14 दिन पूरा होने में बाकी था। इसलिए कोई भी भाई रिस्क न ले, किसी तरह का भी रिस्क न ले, बिना क्वारंटाइन जाने की कोशिश न करे। सभी एजेंट भाई भी ध्यान दे, किसी को बिना क्वारंटाइन बिल्कुल भी न भेजे, पूरा 14 दिन पूरा करे, उसके बाद में ही सऊदी भेजे वहाँ से। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमने पहले भी कहा था कि ये ऑफिशियल ऐलान नहीं है, अनऑफिशियल है, ये जो कर रहा है लोग जा रहा है, हो सकता है अगर फंसेगा तो किसी पे भी ठीकरा फूट सकता है। आप मेरा पिछला 2-3 दिन पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने स्पष्ट कहा था, क्योंकि ये चीज़ हम लोग को पता है कि कहाँ पे रुकावट हो सकती है। लोग जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं, मैंने ये भी कहा कि जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है तो जा रहा है, जिस दिन पकड़ा गया सबको वापस भेजेगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये आने वाला है उन लोगों को जो क्वारंटाइन पैकेज नहीं लिया है, अब वो क्वारंटाइन पैकेज मिलेगा और पैसा होगा नहीं होगा अब ये खुद वो समझेगा। चूँकि इंडिया से जो गया था उनको यही कहा के भेजा गया होगा कि 2 से 3 दिन आप दुबई में रुकोगे, उसके बाद में सऊदी चले जाओगे। अब उनके पास पैसा होगा या नहीं होगा ये वो समझेगा, ये उसका मसला है। अब बुरी तरह फंस गया तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो भी लोग सऊदी वाया दुबई जा रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि दुबई में मुकम्मल तौर पे 14 या 15 दिन जो होता है वो आप पूरा करके मुकीम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके निकलिए, नहीं तो आप कभी भी फंस सकते हैं। हो सकता है सऊदी में ही आपका जाँच हो जाए। तो यहाँ आपको सहूलत दी गई है कि दुबई से आप 14 दिन रुक करके जाइए, तो क्यों हम रिस्क ले 2 या 3 दिन रुक करके। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।